ये जो बड़े माफिया होंगे ये जो इस तरह के चीजें चला रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती है। स्कूल कॉलेज उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है, और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है। इंफॉर्मेशन लीजिए, आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं इन्फॉर्मर, सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है। ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है, ये जो एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, और इसकी मैं समीक्षा करूंगा। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कई जगह अभियान चला है नहीं चला है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, कई जगह प्रभावी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जड़ों पर प्रहार करना है। इनको संरक्षण देने वाले लोग कौन कौन हैं, इनके तार कहां से जुड़े, और जरूरत पड़े तो एटीएस और बाकी सबका उपयोग करें। यहां से ये जो बड़े माफिया होंगे ये जो इस तरह के चीजें चला रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए, और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये अक्षम्य है बिल्कुल, किसी भी कीमत पर अक्षम्य नहीं है। पहले चरण में मैं कह रहा हूं कि अभियान चलाओ छोड़ो मत, संरक्षण देने वाला कोई भी हो छोड़ना नहीं है, तार जहां जुड़े हो वहां प्रहार करना है। एक से ज्यादा राज्यों में भी तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन दुकान से लेके जहां तक तार जाए, स्कूल कॉलेज के आसपास से लेके जहां जहां भी, तो आप इंफॉर्मेशन जुटाइए और कार्रवाई कीजिए। वहां से फिर निकलते हैं तो फिर घटनाएं छेड़ा छेड़ी की और बाकी तरह की घटनाएं होती है। पी के वाहन चलाना भी अपराध है, तो पहले से प्रावधान है हम लोग इसका प्रभावी उपयोग करें। तो पी के गदर करने का हक किसी को नहीं है, दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना इसकी इजाजत किसी को नहीं है, उसके भावी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अपराधों पर कार्रवाई करें, लेकिन आप सबको हमारा दृष्टिकोण पता है मां बहन बेटी के सम्मान के बारे में। मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है, मैं निर्देश दे रहा हूं कि दुराचारी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं दिया जाने चाहिए, बुलडोजर बुलडोजर चलने चाहिए बिल्कुल,
क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं है। अगर इतनी जरूरत करता है कोई कि बहन और बेटी के साथ दुराचार करे, रेप करे, तो तबाह करना है, तबाह छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इस लायक ही नहीं रहने देना कि वो दोबारा इस बारे में सोचे। अभी चिन्हित अपराधों में क्या स्थिति वो मैं देखूंगा। एक बात और, मैं सारे आईजी को कह रहा हूं, एसपी को कह रहा हूं, डीजीपी को भी कह रहा हूं, और कलेक्टर्स और ऊपर भी मैं कह रहा हूं, सीएसबी यहां बैठे हुए, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस, अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे कल इंदौर में शिकायत मिली है, ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई टीआई गदर करे और वसूली करने का काम करे। तत्काल कार्रवाई करो। हम इसलिए नहीं बैठे कि कोई डरा के, धमका के, कोई कागज पेश करके और खुद गैर कानूनी काम करें। आप ऐसी सूची बना लीजिए, जनाब से कहिए एडीजी इनका भी ये काम मुझे रिपोर्ट करें, कौन कौन पैसे खा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो ईडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे उनके, लेकिन ये सूची बननी चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और जो गड़बड़ करता पाया जाए उसको हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत में। ये ड्यूटी प्रशासन के मुखिया यहाँ बैठे, डीजीपी यहाँ बैठे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।